एडवाइजरी काउंसिल के ऊपर आने के ऊपर मुबारकबाद देता हूँ। आपकी जो गुजारिशात हैं, आपकी जो सिफारिशात हैं, हमने सुनी हैं और हमें बड़ी खुशी है कि आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम तमाम यूरोप में दूसरे मेंबर्स एडवाइजरी काउंसिल के लेके पाकिस्तान की इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले तो मैं OPF का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हालैंड से हमें एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर मुंतखब किया है। मैं जो सबसे बड़े मेन इशू हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का है वो मैं लेकर आपके सामने आया हूँ और गुजारिश की है और रिक्वेस्ट कि आप पाकिस्तान हुकूमत से हमारा ये मसला करें कि PIA का जो एयरलाइन वो उनका फ्लाइट थी वो बंद हो गई, वो हमारे लिए दोबारा बहाल हो जाएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप OPF के चेयरमैन हैं और आपने हमें बड़ा खुश आमदीद कहा यहाँ पर, और आपके सारे प्यार के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपने जो हमारी बातें सुनी और जैसे PIA की अदरीस साहब ने की और मैंने आपसे कहा कि जो हमारा मुस्तकबिल है बच्चे, उनको पाकिस्तान से रोशनास कराना बहुत ज़रूरी है, तो आपने ये बात कही कि मैं इस पर पूरी कोशिश करूँगा और हमें यकीन है कि ऐसा होगा और हमारी नस्ल जो है पाकिस्तान से मोहब्बत कर सके। बहुत शुक्रिया। मैंने जनवरी में हेग का दौरा किया था और उस रिपोर्ट को वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ शेयर किया था और उन्होंने इसको पॉजिटिवली एक्नॉलेज भी किया था, और इंशाल्लाह ताला ये तमाम गुजारिशात हम OPF के बोर्ड के सामने रखेंगे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखेंगे। मैं आप दोनों को एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहता हूँ।